वेलकम बैक टू माय चैनल राधास रेसिपी। लॉकडाउन है और बच्चों की छुट्टियां भी चल रही है, तो क्यों ना हम पोटैटो स्माइली की रेसिपी ट्राई करें जो घर में पड़े चीज़ों से बहुत आसानी से बन जाता है। चलिए देखते कैसे बनता है। देखिए हम पोटैटो स्माइली बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसमें मैंने पोटैटो लिए 3 to 4, जिसे मैंने मैश किया हुआ है। मैंने दो ब्रेड क्रम्स लिए है, इसे मैंने ग्राइंडर में मिक्स किया है। 1 teaspoon रेड चिल्ली पाउडर लिया है और एज़ पर योर टेस्ट मैंने यहाँ पे एक स्ट्रॉ लिया है। मैंने इस पर 2 tablespoon कॉर्नफ्लोर का आटा लिया है और मैंने 1 tablespoon चिली फ्लेक्स लिया है। इसे मैंने एक स्पून लिया है। मैं इसमें एक बाउल लूँगी, मैं इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कैसे आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं पोटैटो स्माइली को। मैं बाउल लूँगी, मैं इसमें आलू का मिक्सचर डालूँगी, इसे अच्छे से मिक्स करूँगी, इसे अच्छे से मैश करके इसे कॉर्नफ्लोर का आटा डालूँगी, मैं चिल्ली फ्लेक्स डालूँगी, रेड चिल्ली पाउडर एंड लास्टली ब्रेड क्रम्स डालूँगी, सॉल्ट एज़ पर टेस्ट, और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी एक डो की तरह। इसे बनाना बहुत इजी है, इसमें हमें बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। हम घर में पड़े चीज़ों से बहुत अच्छे से इसे बना सकते हैं और हैंड्स की मदद से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पूरा देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। इसे खा के बच्चे बहुत खुश होते हैं, बिल्कुल मकेन के जैसा इसका टेस्ट आता है। इसे आप बना के आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर दिया है। अभी मैं इसे रेस्ट पे रखूँगी 30 मिनट्स के लिए, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए फ्रीज़र में। देख सकते हैं आप कितना अच्छे से ये हो चुका है, एकदम क्लीनली फटाफट बन भी जाता है। अब इसे स्टार्टर्स में या बच्चों की पार्टीज में भी बना सकते हैं, जो बहुत फटाफट बन जाता है। बहुत अच्छे से बच्चे खाते हैं, बहुत इंजॉय से खाते हैं। तो 30 मिनट्स देखिए मैंने इसे अच्छे से फिर से एक बार मिक्स कर लिया है। मैं इसका आधा डो लूँगी और रोलिंग बोर्ड पर मैं इसे अपने हाथ में तेल लगाऊंगी, थोड़ा सा ऑयल। मैंने गैस पे पैन भी रखा है, मैंने तेल भी गर्म होने रख दिया है। देख सकते हैं तेल मेरा गर्म हो रहा है। मैं इसे रोलिंग बोर्ड पे इसे अच्छे से इसे फिंगर्स की मदद से इसे स्लाइटली प्रेस करती रहूँगी और इसे मोटा ही रखूँगी। इसे पतला नहीं करना है ज़्यादा, हमें मोटा ही रखना है। देख सकते हैं इसका टेक्स्चर, देख सकते हैं इसे वेरी स्लाइटली सब ज़्यादा पतला नहीं करना है। देखिए हो गया है, इसे मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है। बस कुकी कटर या कोई ढक्कन या वो होगा, आप उसकी मदद से आप कट कर सकते हैं जैसा आपके शेप चाहिए। इसमें थोड़ा सा फ्लोर लगा दीजिए तो वो चिपकेगा नहीं। देखिए मैंने कट लिया है इसे अच्छे से, बाकी का जो एक्स्ट्रा है हम इसे फिर से रीयूज़ करेंगे। देख सकते हैं हमने इसे कट करके सब निकाल लिया है ना, बहुत इजी से बनाना, बहुत टेस्टी भी लगता है ये खाने में। बड़े भी इसे बहुत पसंद करते हैं खाना। देखिए मैंने स्ट्रॉ से मैंने इसके आँखें बनाई है, देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा फ्लोर लगा लीजिएगा स्ट्रॉ में, ताकि वो चिपकेगा नहीं। स्पून से हम इसकी बहुत अच्छी सी स्माइली बनाएंगे, जिससे बच्चे बहुत खाना पसंद करते हैं, है ना। बनाना बहुत आसान,
आप अपने बच्चे को कभी भी होममेड बना के कभी भी दे सकते हैं। इसे हम फ्रिज में भी रख सकते हैं स्टोर करके 15 दिन 1 महीने तक। हम इसे बना के इसका डो तैयार करके फ्रीज़र में रखेंगे 2 से 3 घंटे के लिए, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा और ये ख़राब भी नहीं होता है। जब जब आपका मन हो, जब आप तुरंत बना के इसे खा भी सकते हैं। बस इसमें कि ऑयल आपका अच्छा गर्म होना चाहिए। ये हमारी स्माइली सब तैयार है, बच्चे भी खाने के लिए तैयार है, बड़े भी खाने के लिए तैयार है। इसे हमने सब बना लिए हैं स्माइलीज, इसके फेस भी अच्छे से बना लिया है। कैसे भी बनाइए, बहुत अच्छे से खाते हैं। तेल भी गर्म हो चुका है हमारा, एक एक करके डालेंगे इसे। हाँ, बहुत आसान इसे बनाना। देखिए 5 मिनट गोल्डन ब्राउन होने तो देखिए एक साइड से ये ब्राउन हो चुका है। कितना अच्छा लग रहा है, क्रिस्पी क्रिस्पी लग रहा है ये। देखिए सर कलर एकदम है ना मक्केन के जैसा, एग्जैक्टली सेम। इसे बच्चे बहुत खुशी से खाते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। बाकी की भी स्माइलीज हम छान लेंगे इसी में। देखिए हमारे स्माइलीज बनके तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।